बेच के खा जाऊंगा। हिंदुस्तान में सीमा हैदर क्यों आया? सीमा हैदर क्यों आया यहाँ पे? सीमा हैदर क्या होता है? अरे तुम्हारी दूल की खाला की लड़की है सीमा हैदर। शो कर रहे थे आज कलश यात्रा, उसमें पौधे लगाए, तो पौधे लगाए तो ये पौधा लगाया उन्होंने, अजवाइन का, तुलसी का, और दूध जिससे गाय को होती है कर्ण पकड़ लेते हैं। सुनिए सुनिए, इन्होंने भाई साहब बोलने तो आता नहीं, आ जाते बोलने। पहली बात तुलसी का, तुलसी माता होता है, तुलसी क्या होता है? मैं पौधा के नाम, नहीं पौधा नहीं होता, तुलसी माता होता है हमारा, तुलसी माँ है हमारा। यार उन्होंने अपनी माता को माता माना नहीं है, तुम उनके सिर पे चढ़े जा रहे हो, उनका तुलसी माता हद हो गई यार। अपनी का तो हलाला करवा में भी हद हो गई। सुनो मेरी बात, ऐसा है मेरी बात, दवाई 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 है भाई। हाँ दवाई, ये दवाई मानते हैं समझे आप सर। ऐसा है जी, वो पौधा लगाया, अजवाइन लगाया, वहाँ पे केसर लगा लेता, केसर वक्त बहुत वक्त लगता ना, केसर थोड़ी लगेगा दिल्ली। अरे भाई ये कश्मीर में एक भी पेड़ लगाया किसी ने दिल्ली में? एक भी कहीं भी है? मुंबई जाके देखो, बादाम अखरोट सारे पेड़ उधर लगाए, दिल्ली में नहीं हो सकती क्या? यहाँ सारे कुछ कोई भी पौधा जंगल उठाएगा। दिल्ली में कोई खेती नहीं होता मुल्ला जी, खर्च होता है नहीं होता उसमें सारे है। देखो जी, इस देश में, इस देश में यदि कोई हमारे हमारे मुसलमान भाई, सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात। अच्छा एक ही बात आप बोलो तो हम आई डोंट ओ चारा, जो गाय का चारा वो लेके कलश में भर दिए, उसमें फुदीना भर देते। अरे वो उनके धार्मिक यार, तुम फिर वो कर रहे हो, छेड़ रहे हो उनको। वो चारा तो जिसे गाय का दूध होता है वो भर दिया उसमें। नहीं तुम जब नहीं पता भैया, देखिए इनका बात तो समझ नहीं आता ना, हमें भाई बनना है ना हमें चारा बनना है, हम जो है वो सही है। अगर हम भाई बन गए हम कल चारा बन जाए भाई साहब। तो मैं क्या पता इनके दिल से पूछो, सवा लाख मकान थे इनके यूपी में, 1,25,000, उसमें से 1,12,000 के अब कागज नहीं पा रहे, बकरी खा गई अब्बा की। भाई मैं तो बिहार से हूँ, दिल्ली से, तो मैं तो यूपी तो बता नहीं सकता। दिल्ली में महबूबे लाई के टाइम के मेरे दादा है ना, यूपी में बुलडोजर है, इसलिए यूपी के नाम पे बता नहीं सकते, बुलडोजर है यूपी में, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में जो काम करते हैं वो करते हैं आदित्यनाथ जी, वो बताएंगे, अच्छा बताते हैं, बुलडोजर वही चलाते हैं। तो उन्होंने क्या तो दिया, उन्होंने क्या दिया कि कागज है तो दिखाओ वक्फ बोर्ड को, सब बोल दिया। और वक्फ बोर्ड का कानून पास हो जाना चाहिए, अगले सत्र में पास हो जाएगा, ठीक वक्फ बोर्ड पास। नहीं मैं कहता हूँ, गवर्नमेंट ने आपको अधिकार दिया, आपको कुर्सी दिया, तो कुछ भी मतलब घास भी आप लेकर कलश यात्रा निकालोगे, मतलब चारा के पीछे क्यों पड़े हो? चारा भाई साहब इनको बोलने नहीं आता, कलश यात्रा मतलब कलश यात्रा, हमारा सबसे सम्मान पूजा है कलश यात्रा। अगर हमारे भैया मेरी बात सुनो, अरे भैया जिन्होंने जीवन भर मटके में पोटेशियम साइनाइड सोडियम क्लोराइड बंद के पेट पे बांध के और धमाके ही धमाके मचाए हो, उन्हें क्या पता कलश यात्रा क्या होती है, जय श्री राम में कितना आनंद आता है। सनातन के अगर सबसे बड़ा कोई पूजा है तो महायज्ञ, और महायज्ञ कब निकलता है? जब हमारा कलश लेके निकलते हैं, एक साथ 1,000 लेडीज, 2,000, 5,000, 10,000 हमारे लिए बम लेके नहीं निकलते हैं कि एक बार बोलो बूम, तो ये गलत बात है। नर्सरी में बम की क्या जरूरत है भाई? कलश के, कलश जब तुम्हें नहीं पता था फिर कलश के बारे में क्यों तुम? अरे भाई मैं वही था ना कलश यात्रा में, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, उनकी हालत देखा, अब बताओ कोई चीज। तुम्हारी वक्फ बोर्ड की यात्रा के तो हवा निकाल दी पहियों की, तुम कलश यात्रा में जा रहे हो, तुम जो है मुनाफिक बन रहे हो, कुफर कर रहे हो तुम। यात्रा से क्या दिक्कत आ गई आपको भाई? कुफर होता क्या, पहले पढ़ लो आप। तुमने कलश यात्रा बंद होगा, गाय रहने दो ना, तू ही तो चारा। पैसा आपको मिल गया, आपको कुर्सी मिल गया, यात्रा से फेंक दो, उसको यूज करो ना सही जगह। ऐसा है, सुन लो मेरी बात, सुन लो भाईचारा नानी बाबा, हम भाईचारा नानी बाबा, हमने क्या कहा? इंडी गठबंधन इंडिया को ठिकाने लगाएगा और हिंदू मुसलमान भारत को बचाएगा। मैं सुन लीजिए मेरी बात, असदुद्दीन ओवैसी उभरती हुई पार्टी है मुसलमानों की, पूछ लो इनसे, ओवैसी के अलावा कोई पार्टी नहीं है जो मजलिसों की बात कर रहा हो, जो मुसलमानों की बात कर रहा हो। तीन तलाक पे बात करेगा तो ओवैसी, ठीक है हलाले पे बात करेगा तो ओवैसी। अब वक्फ बोर्ड जो है ना भाई साहब कब्जे में आ रहा है, सारी सरकारी संपत्ति वापसी ली जा रही है। आज इनका दिल फटके हाथ में आ रहा है, पूछो इनके दिल का दर्द। आपका फटके हाथ में आ गया? मैं डेवलपमेंट की बात कर, इनको फटके आ रहा है, मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। ये वक्फ बोर्ड पे फाड़ने वाली पार्टी में से है, फटके इनका हाथ में आ रहा है दिल। अच्छा
बताओ डेवलप का फटकारा है कि इनका फटकारा, लेकिन ये बताओ बक बोर्ड से दिक्कत क्या है? महंगी चीज उगाएंगे तो ज्यादा पैसा बनेगा, और वो चारा वो क्या किस काम का भाई? चारा गाय का, गाय को अरे हमें भी एक बात बता दो बस, ये 100 करोड़ रुपए से ऊपर केजरीवाल एंड कंपनी है ना, देखो भाई भ्रष्टाचार तो वो करे, भैया एक मिनट रुको, अरे देखो क्या है, भ्रष्टाचार तो वो करे, अंकल जी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल गए, भ्रष्टाचार तो वो करे और 100 करोड़ से ऊपर के वकील का बिल हम चुकाए, ऐसा क्यों भाई? अरे मूर्ख आदमी से डिबेट मत कराया करो, आप मत करवाया करो यार ऐसे लोगों का। दिल्ली का जो गाय है वो चारा नहीं खाता, सेब अनार पेपल खाता है। अच्छा, कहीं का भी जानवर होगा वो भैया चारा खाएगा, कहीं का भी होगा। अब इनको मूर्ख आदमी को क्या पता गौ माता क्या होती है? अरे भाई तो गौ माता का कौन सा पाल रहे हो आप? चारा खा दे तो दूर से देख के गौ माता आपके चारा खा लेंगे, आतंकवादी पाल ले इसको, आतंकवादी ही चाहिए। जैसे ना जैसे माँ हमारी माता होती है, उसे गाय हमारे दूध पिलाती है, वो भी माता लग रहा है। आज मौलाना साहब ऊटनी का अर्क जो है पी के आए हैं, भारत के आए हैं आज, इन्हें ये नहीं पता ऊटनी खाती क्या है। अगर भारत की संपत्तियां वक्फ बोर्ड में जा रही है, इन्हें पता ही नहीं है, ये गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने में लगे हुए हैं। हाँ, हालांकि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सिंधे सरकार का, भारत में पहली बार महाराष्ट्र की सरकार ने गौ माता को राज्य माता घोषित कर दिया है। जय श्री राम, गौ माता की जय। इनसे जय जय भारत बुलवा दो या जय माता दी बुलवा दो, इनका पहले आधार कार्ड देखो। मैं ये कह रहा हूँ अब तो गाय माता बोलना पड़ेगा, राज्य माता घोषित हो गई है महाराष्ट्र में, बोलो गौ माता की जय, बोलो गौ माता की जय। दिल्ली में तो पालते नहीं गाय, गाय को भैंस ही पालते हो भाई, भाई ऐसा है ना, ऐसा है ना, दिल्ली में गाय नहीं पालते हैं। चलिए पूसा रोड पे इज्जत से, हेलो इज्जत से सुनिए पहले भाई साहब, हमारे पूसा रोड पे चलो, इज्जत से हमारे गाय मिलेंगे और अच्छा से करोल बाग चले जाओ गौशाला में। पहली बात, आप दिल्ली कभी घूमे नहीं हो, आप सिर्फ मदरसा जाते हो और फिर सीपी में आते हो और बंगला साहब में गुरुद्वारा लंगर खा के। भाई भाई पालते हैं हम, पालते हैं हम गौ माता को भी पालते हैं और हम सुअर को भी पालते हैं और फिर झटके पे ले जाके झटका करते हैं मेरे भाई, तुम्हारे सिर कदम पालते हैं हम, पालते हैं। ओ आप पालते हो ना, ठीक है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उस मुद्दे पे आओ ना, पल पल कुछ भी बोल देते हो भाई, मुद्दे पे आओ। क्या मुद्दा है? मुद्दा क्या है? मुद्दा तो मुद्दा तो यही था, 1,25,00,000 प्रॉपर्टी जो थी वक्फ बोर्ड की वो उनके कागज नहीं पा रहे और ओवैसी सच बोल के फंस गया, ओवैसी सच बोल के फंस गया, प्रदेश लेके जा रहे हो, हम दिल्ली बात कर रहे हैं, प्रदेश जा रहे हो। वक्फ बोर्ड से क्या दिक्कत है? हमारी शादी हो रही है, वक्फ बोर्ड से दिक्कत क्या है? वक्फ बोर्ड से दिक्कत क्या है भाई? दिक्कत तो कुछ नहीं है हमारे को, वक्फ बोर्ड है, काम कर रही है, प्रोसेस में है, अभी हो जाएगा सारा फैसला। उसमें बदलाव किया जा रहा तो उससे दिक्कत, वक्फ बोर्ड में बदलाव, उससे बैठक में हम गए नहीं, जो बैठक में जाएंगे तब बताएंगे क्या चल रहा है। कौन बुला रहा है टेंडर जब वक्फ बोर्ड का छुटा था, तुम्हारे कौन से उसमें पर्चे भरे गए थे जो तुम्हें बैठक में बुलाया जाएगा? तुम्हारी तो संपत्ति छीनने का जुगाड़ था वक्फ बोर्ड, और उसको अब जो है खत्म करने की कगार पे है, उसको अमेंडमेंट करके वक्फ बोर्ड की चारों टांग तोड़ दी गई है। वो एक होता है, उसकी अगर चारों टांग तोड़ दोगे वो चलेगा कैसे? ऐसे ही वक्फ बोर्ड का हाल कर दिया गया है। अब हो गया होगा, बोलो ना, बोलो ना भाई, बोलो ना, जितने बोला तो बोल दिया मैं, आप कितना बोलो? आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, बहुत पास ले लो जाओ, नहीं तो पकड़े जाएगा, पकड़े जाएगा, थाने में जाना, सारे थाने में आ जाओ, उतना नहीं जाता मुझे, सभी थाना में जाओ, थाना थाना आया किस लिए, आए किस लिए, हाँ किस लिए यहाँ? भारत में कहाँ से आए? मैं कहाँ से? मैं आसमान से ऊपर से फरिश्ते की तरह, हमारे हिंदू जमीन जमीन फट गई है उससे निकल गया मैं, हिंदू मर जाएगा, तू रहेगा, इसी प्रोसेस से आया हूँ, जिस प्रोसेस से आप आए, गया राज, गया, उसी प्रोसेस से मैं आऊँ जिस प्रोसेस से आप आए, ठीक है ना? मैं बाहर नहीं निकला हूँ, सीता जी भी अंदर चली गई थी, जमीन फट गई थी, रहने वाले बता दीजिए कहाँ के रहने वाले? मैं भारत का ही हूँ, हिंदू राज, कहाँ घर है भारत में तुम्हारा? मैं मेरा तो भाई, मैं पैदा तो बिहार में हुआ, पैदा बिहार में हुआ और दिल्ली में रह रहा हूँ 20 साल से, सॉरी 24 साल, नहीं बोलना चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए, आज मैं मैक के सामने बोल रहा हूँ खुला, आप 100 में अकेला नहीं रह सकते, बाकी हमारे 10 में ये 100 सुरक्षित रह सकते हैं। कहाँ से आया? हिंदुस्तान में सीमा हैदर क्यों आया?
सीमा हैदर क्यों आया यहाँ पे? सीमा हैदर क्या होता है? अरे तुम्हारी दूल की खाला की लड़की है सीमा हैदर, सचिन मीणा के यहाँ आई है। बंधन में YouTube में लक्ष्मी बच्चा बता रहे ना, रुको सॉरी नहीं बताने की जरूरत है, दूर रहो आराम से बात करो। मुल्ला जी आप चिंता, मौलाना आँख मत दिखाना, मौलाना आँख मत दिखाना, नहीं तो कातिया का कुत्ता समझ के खा जाऊंगा। नहीं मुल्ला जी आप ये बताइए कहाँ मेरे दादा का कुत्ता भी शेर खा गया था। कुत्ता शेर खा गया था और गाय। इस बार शोएब जमुई के साथ गठबंधन करेंगे मुल्ला जी, AIMIM पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे हम। हमारे दिल में है केजरीवाल, यहाँ पे है ये अंकल जी ने हमारा दिल तोड़ दिया, ये चाहते हैं दिल टूट जाए, केजरीवाल छपाक से नीचे गिर जाए, ऐसे कैसे गिर जाएगा? तुम्हें पता है हमने वाइपरों का ट्रक मंगा लिया है, वाइपर भर के सारे आम आदमी के पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है सब उतारने जा रहे हैं हम जमुना जी में वाइपर ले लेके। झाड़ू है उनका निशान है, झाड़ू निशान है उनका, झाड़ू और वाइपर लेकर के वाइपर से जमुना जी पूरी साफ करेंगे हम वहाँ पे जाके। हमने मंगा लिया एक ट्रक भर के वाइपर, क्या बात कर रहे हो? सारा पानी ये कहते हैं, ये बदनाम करते हैं, ये कहते हैं कि गंदा पानी पिला रहे हैं, गंदा थोड़ी है। 100 रुपए किलो लीटर का आता है, 100 रुपए लीटर अल्का लाइन वाटर, काले रंग का आता है नहीं अल्का लाइन वाटर, अब हम तुम्हें फ्री में दे रहे हैं, अब तुम कह रहे हो वो नाली का पानी है। मुल्ला जी पूछो। सर मैं कल गया था सदर बाजार एरिया में, रोड नाले बने हुए, रोड नाले बन गए, नाले बने हुए बिल्कुल, पूरा कचरा रोड पर ही है, पूरा नाले बह रहे हैं। ये कह रहे हैं रोड को नाला बना दिया है। अब वो केजरीवाल जी से आ गए हैं ना, अब जेल से अब ठीक हो जाएगा? अब केजरीवाल जी जाके नाला साफ करेंगे क्या? वो सड़क साफ करने वाले केजरीवाल जी है क्या?